गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट बुक में पार्ट 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई इसका भाग दूसरा जो बाकी है वह समझाऊंगी। भाग 2 शुरू करने से पहले भाग 1 में हमने जो भी समझा मैं आपको याद दिला देती हूँ। डॉक्टर विक्रम साराभाई वे महान वैज्ञानिक थे। उनको रविंद्रनाथ टैगोर की जो भविष्यवाणी थी वह उन्होंने सच कर दिखाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी कि वे भविष्य में एक यशस्वी बालक बनेंगे, और उन्होंने उनकी भविष्यवाणी को सच कर दिया, अपने कर्म और परिश्रम से सच कर दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हमने देखा कि 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित और उद्योगपति परिवार था। विक्रम साराभाई अथक परिश्रम करने वाले इंसान थे। विक्रम साराभाई के पिता अम्बालाल, उनके नाम पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, तो यह सोचकर उन्हें भी ऐसा हुआ कि मेरे नाम पे भी कोई पत्र लिखे, तो उन्होंने अपने ही नाम और पते पर पत्र लिखकर डाकघर में डाल दिए। उनके पते पर होने के कारण वही पत्र उनके पास वापस आए, उन्हें मिले, तो यह देखकर उनको बहुत ही खुशी हुई। उनके पिता को भी यह जानकर खुशी भी हुई और हंसी भी आई। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई इंग्लैंड कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए गए। उसके बाद वे फिर भारत लौट आए। नूरालिनी स्वामीनाथन नामक स्त्री के साथ उनका विवाह हुआ। आगे हम भाग 2 को समझेंगे। हम भाग 2 शुरू करते हैं। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे अंतरिक्ष यानी अवकाश की गहराइयों से जो भी रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें यानी जो ब्रह्मांडीय किरणें आती थी उन पर अनुसंधान यानी आविष्कार उन्होंने खोज करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ से उन्होंने 1947 में PhD की उपाधि यानी पदवी उन्होंने प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल यानी उलझे हुए जो भी प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का जो श्रेय था यश था डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही मिला था। यह उनका ही सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। उनका ही यह सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के ऊपर प्रयोग करने, जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं उन पे प्रयोग करने के लिए हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वह सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उपयुक्त और अनुकूल है। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरण जो वैज्ञानिक साधन होते हैं जो भी वैज्ञानिक साधन होते हैं उपकरण से लैस यानी उनकी एक तरफ प्रयोगशाला स्थापित की। उपकरण यानी उसके जो भी साधन है वह सब उपकरण कहा जाता है, तो उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जो भी निजी यानी अपने खुद के प्रयत्नों से सन 1947 में भौतिक खोज प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे
वह आजन्म संबद्ध रहे, जिससे वह आजन्म यानी आजीवन संबद्ध यानी बंधे हुए रहे, जब तक जिए पूरे आजीवन पूरी जिंदगी, जब तक वह जिए तब तक वे ये प्रयोगशाला जो थी उससे बंधे हुए रहे यानी उसके साथ रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। साथ में उन्होंने वे एक जो प्रयोगशाला से उससे संबंधित रहे और साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग यानी कपड़े का जो उद्योग है, व्यापार है, वह वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से यानी उसके लक्ष्य से, उन्होंने यह उद्देश्य था उनका कि जो तकनीकी समस्याएं आती है वस्त्र उद्योग में उनका हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी यानी उसकी नींव रखी। अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की नींव रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति अंतरिक्ष किरण सूर्य ग्रह तारा प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। ये जो भी हैं जैसे भौतिक अनुसंधान, भौतिक खोज प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति अंतरिक्ष विकिरण सूर्य ग्रह तारा प्लाज्मा और भौतिकी और खगोल, यह सभी विषयों पर वे कार्य करते रहे। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा यानी शक्ति, परमाणु शक्ति आयोग यानी संस्थान के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हुई उसके बाद परमाणु शक्ति संस्थानों की जो भी संस्थाएं थी वो सारे संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे उनके युवा कंधों पर आ गया यानी सारा कार्य उनके ऊपर आ गया, सारी जवाबदारी उनके ऊपर बढ़ गई, उनकी सारी जवाबदारियां डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद सारी जवाबदारी डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आ गई। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे वे सब डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपी अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई यानी उनका नेतृत्व, लीडरशिप, उनके नेतृत्व एवं अथक यानी सतत अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के प्रक्षेपिक यानी अवकाश में यह जो भी स्थापित है यह सब अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो उनके ही कारण, उनके अथक परिश्रम के कारण ही यह जो भी ग्रह है, उपग्रह है, वे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक आज भी कार्य कर रहे हैं।
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन, जब तक उनसे कार्य हुआ आजीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए, यानी जो भी क्षेत्र में विकास हुआ है वह समग्र विकास के लिए उन्होंने समर्पित किया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। भारत के विकास में उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ योगदान के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्मभूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। तो उनको यह जो अवार्ड्स मिले, पुरस्कार यानी अवार्ड्स, ये सारे जो अवार्ड्स उनको मिले हैं, उनको यह सारे अलंकरणों यानी अलंकारों से नवाजा गया, उनका मान सम्मान किया गया, उनको यह सारे पुरस्कार मिले और ये पुरस्कार से उनको नवाजा गया, मान सम्मान दिया गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई निःशस्त्रीकरण संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो यह सारी जो संस्था है उनमें भी भारत के प्रतिनिधि रहे, वे भारत के प्रतिनिधि रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे सन 1966 में इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य बने। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया ये सारी जो संस्थाएं थी उन्हें प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अणु मंच के 14वीं परिषद के वे प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष के ऊपर भी जो ऊंचे होते पर होते हैं वे उपाध्यक्ष व बाद में उन्हें विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई मात्र उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे मात्र वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई मात्र वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे ऊंची कोटि के वैज्ञानिक थे, परंतु विज्ञान के साथ साथ उन्होंने इतनी व्यस्तताओं के बावजूद वे कार्य में लगे हुए थे व्यस्त थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय वे निकाल लेते थे। मतलब कि अपना जो भी समय बचता था वे कला, शिक्षा और समाज के लिए वे कार्य करते थे। उनके प्रयत्नों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र
एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। उन्होंने जो अथक परिश्रम किया, प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। इस संस्थान में वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति, जो सामान्य लोग हैं उनको विज्ञान के प्रति जो रस जागृत हो, रुचि जागृत हो, उनको विज्ञान में दिलचस्पी हो, उसे जागृत करने में के लिए वे कार्य करते रहे कि लोग विज्ञान की ओर भी बढ़े, आगे बढ़े और हमारा देश आगे तरक्की करे। इसलिए उन्होंने जो सामान्य लोग थे उनके लिए भी विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य किया। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख, यानी वह दिन उनके लिए बहुत ही, हमारे देश के लिए भी बहुत ही ख़राब था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के जल लॉन्चिंग स्टेशन था वह थुम्बा में कार्य निरीक्षण, जो कार्य करते थे उनका निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था, यानी कि देखरेख करने के लिए उन्हें वहाँ भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई वे वहाँ होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन वह होटल में ही हृदय रोग की गति रुकने से, यानी दिल का दौरा जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, वह दिल का दौरा यानी हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। उनकी मृत्यु हुई तो हमारे देश में उनके निधन से विज्ञान में नित यानी हमेशा जो नए आयाम आते थे, नए चमत्कार होते थे, नए जो भी आविष्कार हो रहे थे, नई खोज हो रही थी, उससे जुड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। क्योंकि उनका ही कार्य ऐसा था, उनकी अथक परिश्रम के कारण ही हमारे देश में विज्ञान तरक्की कर रहा था और सौरमंडल में, अंतरिक्ष में, सब जगह जो खगोल पर भी वे कार्य कर रहे थे। अंतरिक्ष में जो भी उपग्रह है वे उनके अथक परिश्रम के कारण सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे और विज्ञान में नए आविष्कार, नई खोज उनके ही कारण आ रही थी। क्योंकि उन्होंने विज्ञान के लिए, अपने देश के लिए बहुत ही अथक परिश्रम किया। ऐसी महान प्रतिभा की को सत सत नमन। ऐसी जो महान प्रतिभा है, ऐसे महान वैज्ञानिक है, जो महान हस्ती है, ऐसी हस्ती को सत सत नमन, यानी हम सौ सौ नमन करते हैं। सत सत यानी सौ सौ नमन करते हैं। हमने उनके जाने पर अच्छा एक हमारे देश का महान वैज्ञानिक खो दिया। तो विद्यार्थीगण, आपने पाठ का यह दूसरा भाग समझा होगा। आपको डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन की जो भी माहिती थी वह आपको समझ आ गई होगी। आपने इस पाठ को समझा होगा। जो पर्यायवाची शब्द मैंने समझाए वो ये भी आपने समझे होंगे। इस पाठ की जो शॉर्ट एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आपको यह पाठ का भाग एक और भाग दो, जो भी मैंने आपको समझाया है वह आपको एक बार पढ़ना है।